All right, I'm going to cut across to UP Deputy Chief Minister Keshav Maria speaking exclusively at the Panchayat Aaj Tak. Let's take a listen. मैं यह मानता हूं कि 20 फीसदी मैंने जो कहा ना हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है हुँ. और सबका हमें समर्थन मिलेगा 20 प्रतिशत वोटो में ये सपा बसपा कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल हैं उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये गुंडों अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति अस्सी फीसदी हिंदू और बीस फीसदी मुस्लिमों की ओर तो इशारा नहीं था मेरे मैं समझता मैंने भी सुना है मेरे मुख्यमंत्री जी ने अस्सी प्रतिशत हिंदू और बीस प्रतिशत मुसलमान की बात नहीं कही है हम कहते हैं हमारे लिए गरीब गरीब एक समान किसान किसान एक समान बेटी बेटी एक समान हिंदू हो या मुसलमान त्रिवंशी भी हमारे रविदास वंशी भी हमारे राम भी हमारे शिव भी हमारे कन्हैया भी हमारे और अगर कोई इस रूप में सोचता है कि यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनाना या मथुरा की धरती को जैसे अयोध्या और काशी और प्रयाग और प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों का विकास किया गया उसने विकास करना हाँ। अगर इसके कारण से कोई और रूप में देखता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा मैं तो इतना कहूंगा आओ सब लोग भगवान श्री कृष्ण जी की कन्हैया की भूमि को सजाते हैं संवारते हैं कन्हैया जी को मैया यशोदा से लेकर के सब सजाने का ही काम किए हैं और उन, उनकी धरती को सजाना वृंदावन को सजाना अभी हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे माननीय नितिन गडकरी जी ने जैसे अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा वैसे ब्रज की चौरासी कोसी परिक्रमा का भी ऐलान किया है उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के आप लोगों का काम नहीं चलेगा चुनाव के पहले पूरा धार्मिक माहौल बना देते हैं आप लोग। ये कहना कि धर्म के आधार पर हम राजनीति जब करते हैं तो राजनीति हम मुद्दों पर करते हैं राजनीति विकास के मुद्दे पर सुशासन के मुद्दे पर और जब आस्था के जो केंद्र हैं उन आस्था के केंद्रों का अगर हम विकास करें और आस्था के केंद्रों के विकास के मामले में अगर कोई राजनीति देखता है तो ये उसके का दृष्टि दोष है हम रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन करते थे लगातार समर्थन किए आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है आज जो रामलला जी के अस्तित्व को नकारते थे जो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करते थे राम भक्तों को जेल भेजने का काम करते थे शिला पूजन पर प्रतिबंध लगाने का काम करते थे वह सारे के सारे लोग कहते हैं हम भी राम भक्त हैं तो ये तो 2014 से जनता के अंदर जो एक परिवर्तन आया भाजपा का कमल खिलाया इनको सबको परिवर्तित ये अवसरवादी लोग हैं